उहू, क्या नाम है इस उहू उहू का? निशा। आप लोगों ने वो फिल्म देखी होगी हम आपके कौन उसमें करती। उहू उहू, क्या नाम है उहू उहू का? निशा। तो ये जब भी मुझे खाती होती तो मैं ना जैसा करता। एनीवे मैं ये बोल रही थी कि जैसे हम लोगों के अलग अलग हॉबीज होते हैं, जैसे पेंटिंग है मेरी हॉबी या मेरी हॉबी है डांसिंग, तो वैसे मनोज जी क्या हॉबी है? स्लीपिंग। मनोज की हॉबी है स्लीपिंग। तो मनोज अभी एक क्लास ले रहा था और उसने अपने स्टूडेंट्स को पूछा कि आप लोग की हॉबीज़ क्या हैं। तो मनोज को बहुत ही बेहतरीन आंसर मिला है, तो वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। बताओ मनोज, तुम्हारे स्टूडेंट्स की हॉबीज़ क्या क्या है? आई लाइक टू सर्च ऑन गूगल। लिटरली किसके स्टूडेंट ने ये जवाब? दो बच्चों ने ये जवाब दिया, आई लाइक टू सर्च ऑन गूगल। क्या ढूंढ रहे हैं, क्या मिल रहा है? मेरी भी वैसे यही हॉबी है। क्या? मैं भी बहुत ढूंढता रहता हूँ कुछ कुछ, होता है ना, जैसे कुछ मिला उसके बाद फिर आजकल मैंने देखा है जो ओल्ड हो गए ना, मतलब जो हमसे, मतलब हमसे बड़े, हमसे भी नहीं, हमसे बड़े तो चलो यंग ही है, मतलब एकदम बड़े जैसे अच्छा। पापा मम्मी के एज के सब जो है ना, रिटायरमेंट वाले एज लाइक अबाउ 60 टाइप्स, उनकी भी आजकल यही हॉबी है टू सर्च। कुछ भी होता है तो वो गूगल करते हैं, और कुछ नहीं भी होता है तो भी वो पूरा दिन गूगल करते रहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है, ये कुछ नया करके देखते, अब ये नया करके देखते हैं। कई बार बोल भी देते हैं ना, अगर कुछ पूछ लो किसी चीज़ में, कोई राय ले लो या कुछ कुछ, गूगल कर लो ना।
देख लो, गूगल तो सब कुछ बता देता है, सर्च कर लो। और एड भी उन्होंने ऐसे चला दी ना गूगल वालों ने, पूछने से सब मिलता है। हाँ तो वही मतलब वो ऐसा हो गया ना कि हम मतलब वो ऐसा हो गया कि अगर हमने नहीं किया, हमने उनसे पूछ लिया, जैसे हाँ पहले होता था ना बड़ों से पूछ लो, हाँ अब हमारे हम सबसे बड़ा गूगल है, बड़ा हमारे है घर हम, हमारे सारे सबकी फैमिलीज का घर का बड़ा। सबसे बुजुर्ग आदमी गूगल है,